नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरा तुलसी का पौधा दिखा रहा हूं और आप इस पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं। इसमें नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं और अब इतनी तेज़ धूप और गर्मी पड़ती है फिर भी ये पौधा बहुत ही हेल्दी ग्रोथ कर रहा है। इस पौधे से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, यदि हम उन बातों को ध्यान में रख लें तो ये तुलसी का पौधा हर मौसम में हरा भरा बना रहेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इतनी तेज़ धूप और गर्मी में हम तुलसी के पौधे को इतना हरा भरा और हेल्दी कैसे रख सकते हैं। बरसात के मौसम में इन पौधों की अच्छी ग्रोथ होती है। हमारे यहाँ बरसात नहीं हुई है फिर भी देखिए ये पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तुलसी के पौधे में हर रोज़ पानी डालना चाहिए। यदि हम गर्मी के मौसम में इस पौधे में एक या दो दिन तक पानी नहीं डालते हैं तो इसके पत्ते मुरझाने लगते हैं, और यदि एक हफ्ते तक इस पौधे में पानी ना दिया जाए तो ये पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। ये ऐसा पौधा है जो कभी भी ओवर वाटरिंग से नहीं सूखता है। आप जितना इस पौधे में अधिक पानी डालते रहोगे उतने इसकी नई नई ग्रोथ होती रहेगी। ये पौधा नीचे ज़मीन में ऐसी जगह लगा हुआ है जहाँ इसको अधिक पानी मिल जाता है, इसीलिए देखिए इस पौधे की अच्छी ग्रोथ हो गई है। ज़्यादातर इस पौधे को गमले में लगाया जाता है और शुरुआत में गमले में इस पौधे की अच्छी ग्रोथ हो जाती है, मगर उसके बाद जैसे ये पौधा रूट बाउंड होने लगता है तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इस पौधे को रूट बाउंड होना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। जब ये पौधा रूट बाउंड हो जाता है तो आप इसकी मिट्टी को निकाल के इसकी जड़ों को ट्रिम करके दोबारा से मिट्टी चेंज करके गमले में डाल दीजिए। तुलसी के पौधे से रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो हमें बताती हैं कि 4 दिन में इस पौधे को घना कैसे बना लें और सूखता हुआ तुलसी का पौधा एकदम हरा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। इस पौधे की जड़ें नीचे गहराई तक जाती हैं। गमले में जब इसको लगा लिया जाता है तो ये जल्दी रूट बाउंड हो जाता है, जिसके कारण इसकी ग्रोथ रुक जाती है और धीरे धीरे ये सूखने लगता है। आप इस पौधे को रूट बाउंड ना होने दें, और यदि आप इस पौधे को नीचे ज़मीन में लगा लेते हैं तो ये पौधा कभी भी रूट बाउंड नहीं होता है और इसकी नई नई ग्रोथ हमेशा होती रहती है। जून के महीने में तेज़ धूप और गर्मी पड़ती है। यदि इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में रख दिया जाता है तो ये पौधा सूखने लगता है। मेरा ये पौधा एक बड़े पेड़ के नीचे लगा हुआ है और आप देख सकते हैं इस पौधे पर फिल्टर्ड सनलाइट गिर रही है। यही कारण है कि इस पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है और इस पौधे का कोई भी पत्ता पीला नहीं हुआ है, और इसके पत्ते देखिए कितने डार्क ग्रीन हैं। गर्मी के इस मौसम में यदि इस पौधे को छायादार लोकेशन में रख दिया जाता है तो भी इस पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, और यदि इसको डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में रख दिया जाए तो ये पौधा सूखने लगता है। यदि इस पौधे की वाटरिंग और लोकेशन का ध्यान रख लिया जाए तो फिर इस पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती रहती है। इस पौधे को किसी भी प्रकार के खाद की आवश्यकता नहीं होती है। बिना किसी खाद और फर्टिलाइज़र के ही देखिए इस पौधे की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ज़्यादातर इस पौधे को गमले में लगा लेते हैं और अधिक से अधिक खाद डालते रहते हैं ताकि इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाए, मगर होता इससे विपरीत है। तुलसी के पौधे को वार्म क्लाइमेट पसंद होता है। गर्मी के मौसम में ही इस पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। सर्दी के मौसम में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, और यदि हम इस पौधे को बचाना चाहते हैं तो सर्दी के मौसम में इस पौधे को इंडोर रखना पड़ेगा और उसके बाद इस पौधे को सनलाइट भी प्रोवाइड करानी है। सर्दी के मौसम में जब इस पौधे को सनलाइट नहीं मिलती है तो इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, और जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है तो इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। सर्दी के मौसम में भी इस प्रकार हरा भरा रखने के लिए हमें इस पौधे को सनलाइट वाली लोकेशन में रखना पड़ेगा। इसलिए आपके पास तुलसी के पौधे हैं तो आप इन पौधों में खाद ना डालें। मैंने अपने इन पौधों में कभी भी खाद नहीं डाली है, और आप खुद ही देख सकते हैं इन पौधों की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इनके गमले में लगे हुए पौधों को रूट बाउंड होने से बचाएं, इनकी लोकेशन का विशेष ध्यान रखें, और यदि आप इन पौधों में हर रोज़ पानी दे देते हैं तो फिर ये पौधे आपके गार्डन में हमेशा बने रहेंगे। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।